नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी आप लोगों को डायरेक्ट मिलती रहे। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं दही, बहुत सभी लोग कहते हैं आपकी दही को यात्रा भी बन गया होगा देख करके। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि कहीं जाने में आने में कौन सा चीज़ खा करके जाने से यात्रा जो है वो गुड अच्छा रहता है। दोस्तों अगर आप लोगों को यात्रा अच्छा रखना है तो बस ये दही जो देख रहे हैं दही, इसको बस आपको थोड़ा सा चिवरा लेना है, उसको भिंगा लेना है, खाली नहीं ऐसे रखना है, और दही थोड़ा सा लेना है और उसको खा करके उसमें से थोड़ा सा छोड़ देना है। ये नहीं कि पूरा खा जाए, पूरा नहीं खाना है और छोड़ देना है, और उसमें थोड़ा मीठा भी रखना है, मीठा के साथ खाना चाहिए दही। और कहीं आना है जाना है यात्रे पे कोई अच्छा काम के लिए, तो आप लोगों को वो दही खा करके ही जाना चाहिए। बहुत सभी लोग कुछ भी खा करके चल जाते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा है कि दही जो है उस समय समय पर नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को यात्रा पर जाना है या यात्रा पर जाना है तो आप लोग कभी भी दही ही खा करके जाइएगा। देखिए कितना मस्त जम गया है, इसको 1 kg बनाए हैं अपने लिए, पतीली में रखे हैं, थोड़ा बड़ा पतीली है। हम दही कहीं पर भी जाते हैं तो खा करके ही जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको दूध खाना है तो रात के समय में खाइएगा। दूध खाने से रात के समय में विटामिन मिलती है, शरीर में कैल्शियम की कमी जो होगी वो पूर्ति होगी, और हड्डियां की जो मजबूती होगी वो आपके शरीर में आ जाएगी, और खोई हुई शक्ति जो है वो आएगी। लेकिन दाद खाज खुजली अगर आपको है तो दही बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि दही खाने से दाद खाज खुजली दोस्तों जो है वो तेज़ी से खुजलाने लगता है। आप लोग एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। मछली भी नहीं खाना है अगर दाद खाज खुजली है तो। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि दही मछली खूब खाते हैं और बैंगन भी खाते हैं, और खुजली जब पकड़ लेता है दोस्तों तो तरह तरह की दवा लगाते हैं। तो आप लोगों को दवा भी बता दिए हैं कि खुजली हो गई है तो आपको कैसे रहना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो माता दुर्गा जी हमेशा के लिए आप लोगों के घर में खुशहाल रखेगी और सुंदर आपके स्वास्थ्य जरूर रहेगा। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें वहाँ बने रहें, और यात्रा पर जाना है या यात्रा पर कभी भी आप दही खा करके जाइएगा, देखिएगा। ऐसे अगर आपका यात्रा नहीं हुआ तो फिर मेरा नाम डॉक्टर नहीं। थैंक यू दोस्तों, इस सब जो बात है वो विधि विधान के चीज़ है, सब किसी को जानकारी नहीं मिलती है। थैंक यू दोस्तों।